ரொம்பவே கலக்கலான garlic chicken with white wine garlic sauce ல எப்படி செய்யறது நானே செய்ய போறோம் வாங்க நம்ம டைரக்டா ரெசிபிக்குள்ள போயிட்டு garlic chicken எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் garlic chicken செய்யறதுக்காக வேண்டிய பாருங்க chicken உடைய chest பகுதி எடுத்து layer layer ஆ நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன் chicken உடைய chest பகுதியை அதுல இருக்கக்கூடிய बोन एलिए नंब वोमिट पड़ी चिकने कट पड़ी एड़ी हेमर पड़ी वचर अमारियां पाती चिकन फे समुटे ओल पीसमें हेमर पड़ी एड़ोर अल वे लेसा तत्ण और हेवियान नईफ वे लेसा इोल तत् वेती समन आगे नम्बर चिकन इतना पड़पा फर्स्ट नम्बर मैरीेट पड़पर चिकने मैरीेशन पाती जस्ट और क्वार्टर लेमन पांग क्वार्टर लेमन नंबर स्क्वीज़ पड़ी विडपर चिकन डायरेक्टा लेमन स्क्वीज़ पड़ी वो साल चिकन के तेव ना साल ना स्प्रिंकल पाकटा फाइनल ब्लैक पेपर पाउडर एड़े और हाफ टी स्पून चिकन वो नम्बर ना स्प्रिंकल पड़ी वेल पकड़ मैरीेट पड़ चिकन मैरीेट पड़ चिकन वो तीन मिनट आड़ते इन पकं ना वो और ग्रिल पैन एचर वो नम्बर 25 ग्राम्स नम्बर बटर आड पड़े बटर वो नम्बर ना मेल्ट वर्तम पैन फे बटर आड पड़ी बटर वो नम्बर मेल्ट नंब मैरीेट पड़ चिकने वो वन बै वन नंब आड पड़ा चिकन वो नम्बर हाफ कुक आगे चिकन नम्बर मिधान ती हाफ चिकन पांग नम्बर 75% चिकन वो कुक मिधान ती इंब चिकन पेट वे नंब गार्लिक सॉस रेडी पड़ी चिकन नंब डिपनी मतलब कुक पड़पर चिकन फ्राई पड़े सेम पैन नाम पड़पा फर्द प्रास पड़पर ना वो इं और रे क्लोल गार्लिक तटी एचर अब फर्स्ट इन बटर नाम आड पड़ा उन्ना एक्सस् बटर ना आड पड़ी बट आना बटर ना वो एक्सस् बटर आड पड़े सो तोलोड़ तटी एड़ वे गार्लिक पांग रे रे पल रे को गार्लिक नाम आड पड़ी ना साफ पड़ोवे वो नाम ना फन आनियन पांग फा चापन आनियन और आनियन मीडियम सैजु अद नंब आड पड़ो आनियन पे ना सा पड़े टाइम ना वो और अंजु पलूपल पूंदे ना फा चापन तोल नी नाम आड पड़े ना सा पड़ी के आनियन अार्लिक फ्लेवर नम्बर ना एन सकन इू ना कुछ नंब साव नाम साल आड पड़ी के आलरे नम्ब चिकन साल सां नंब साल आड पड़ी नम्बर आनियन गार्लिक ना और अरम वह बटर एन सरम एन सी वह इं वैट वैन वह पाती 150 ml आड पड़पर सो पांग वैट वैन आड पड़े वैट वैन आड पड़े नंबर रिडक्शन पड़पर 150 ml आड पड़ो मिधान तीर वे नंबर रिडक्शन पड़ी के नॉन अल्कोहलिक कुकिंग वैन वैट वैन वैन वो आडी मिधान तील लेसा पांग नम्बर अरल स्टेज ना रिमेनिंग वे हाफ लेमन वो नम्बर स्क्वी पड़ी विडपर लेमन सेता मिधान तीर रे निषं वाइट नम्बर रिडक्शन आगे रोम नम्बर रिड्यूस पड़कूड़ा लेसा नम्बर रिडक्शन पड़ा हो गार्लिक सॉस पांग नम्बर ना रिडक्शन आगे वंदिरुच्चु स्टेज ना वो हेवी क्रीम आड पड़पर हेवी क्रीम आड पड़े नंब चिकन आड पड़ा हेवी क्रीम आड पड़िया नंब चिकन आड पड़ी और टू मिनट्स नंब वे चिकन वो नम्बर कंप्लीट कुक सास वो चिकने से रे पकम तिरपी विटिटे सास वो नंब मेल ओवर कुक पड़ी और रे निषं मिधान तीय वे नंब अणचल
மிதமான தீயில ஹெவி க்ரீம் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் சிக்கனை போட்டு குக் பண்ணி தருந்தோம். பாருங்கள் நம்மளுக்கு க்ரீமோடு சேர்த்து நம்மளுக்கு அந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சிக்கனை நம்மளுக்கு நல்லா 95% போல் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு குக் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம குக் பண்ணால் சிக்கன் வந்து ரப்பரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு போய் ஹார்ட் ஆகிடும். இப்போ எடுத்தால நம்மளுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ கலக்கலான ஒரு கார்லிக் சிக்கன் பாருங்கள் அத்தகாசமாக நம்ம சேர்ந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு அணைச்சிருக்கு, சூடாக நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். ஒரு கலக்கலான கார்லிக் சிக்கன் வித் ஒயிட் ஒயினை வச்சு எப்படி செய்யறதுன்னு உங்களுக்காக வெஞ்சி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் ரெசிபிஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள். கட்டாயமாக உங்களுக்காக வேண்டி போஸ்ட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.